भाई डीसी तो एनिमे इंडस्ट्री में आ चुका है, मार्वल वालों तुम कब आओगे? भाई तुम्हारा खून कब खोलेगा? हालांकि डीसी के एक दो प्रोजेक्ट पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि निंजा बैटमैन, और इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन जब आएगा तब देख लेंगे। और इस वीडियो में निंजा बैटमैन की बात नहीं करेंगे हम, जिस एनिमे की बात करेंगे मे भी बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा इस समर सीजन में। तो ये एनिमे है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, या फिर इसेकाई सुसाइड स्क्वाड, भाई जो तुम्हारा मन हो वो बोलो, जो इसी समर सीजन में रिलीज हुआ है 10 एपिसोड के साथ। और सुसाइड स्क्वाड की स्टोरी है तो ये सारे कैरेक्टर तो होंगे ही, जैसे कि हार्ली क्विन, डेड शॉट, पीस मेकर, क्लेफेस, किंग शार्क, रिक फ्लैर और जोकर। हालांकि जोकर का इतना अपीयरेंस नहीं है इस एनिमे में, लेकिन फिर भी रोल इसका इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक इसेकाई कैरेक्टर है फियोने, जिसपे स्टोरी का थोड़ा बहुत फोकस रहेगा। डीसी फैंस को तो पता ही होगा सुसाइड स्क्वाड है क्या, और जिनको नहीं पता ये मैं बता दूं कि ये विलन्स का ग्रुप है, जो मजबूरी में कभी कभी अच्छे काम भी कर लेते हैं, और तुम भी इनकी तरह अच्छे काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो कर लो यार अच्छे काम, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन सवाल ये है कि ये अनदर वर्ल्ड में फंसे कैसे? तो ये सब होता है अमेंडा वॉलर की वजह से, जो गवर्नमेंट एजेंट है और आर्गस की हेड मेंबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड कि ज्यादातर विलन्स किससे फटती है, सिर्फ इसका नाम सुन के ही। तो ये खूंखार महिला अनदर वर्ल्ड के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, जिसमें इसका गोल ये होता है कि अनदर वर्ल्ड से रिसोर्सेज कलेक्ट करना जो यूजफुल हो। अनदर वर्ल्ड का पोर्टल तो खोल लिया कैसे भी करके, लेकिन उस वर्ल्ड में है क्या इसको पता कैसे चलता? फिर ये सुपर विलन की एक टीम बनाती है अपने एजेंट के साथ, जिसको ये अनदर वर्ल्ड में भेजते हैं रिसर्च करने के लिए। और सुपर विलन इसके सामने खुले में घूमे ये हो नहीं सकता, तो उनके ब्रेन के पास माइक्रो बॉम्ब ट्रांसप्लांट कराती है, ताकि अगर ये इसकी बात ना माने तो उसका सफाया कर सके। बाकी अनदर वर्ल्ड की स्टोरी मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को जानने की जरूरत है, भाई बोर हो जाओगे क्या करोगे जान के। अनदर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया है, लेकिन अनदर वर्ल्ड में जो लफड़ा चल रहा है वो मजा नहीं आता। और ये हाल मोस्ट ऑफ द इसेकाई एनिमे के साथ हो रहा है जो भी नए नए आ रहे हैं। भाई ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है इसेकाई एनिमे देखना छोड़ना पड़ेगा। इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद लगता है कि भाई डीसी कुछ तो जबरदस्त ले आया है, लेकिन जैसे मैं एपिसोड 2 देखता हूँ वैसे फिर लगता है यार ठीक है। फिर थर्ड एपिसोड में लगता है भाई नहीं है जबरदस्त। लेकिन मैं बता दूं पूरे सीजन का यही हाल था, ठंडा गर्म माहौल चल रहा था। सिर्फ एक मेजर रीजन इस एनिमे को देखने का, इसका एक्शन सीक्वेंस बेस्ट है यार, मतलब मजा आ गया इसको देख के। और समर सीजन 2024 में इसका एक्शन बेस्ट साबित होता जा रहा है। और बाकी के एनिमे ने कुछ नहीं किया तो लास्ट तक ये बेस्ट ही रहेगा। चाहे लाख बुराई हुए इस एनिमे में, लेकिन कुछ अच्छाई भी है, और वो मैंने तुम्हें बता दिया जो इसका एक्शन सीक्वेंस है। और एक चीज और है जिसको मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं किया, लेकिन अब कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड स्क्वाड के मैडनेस की। हाँ भाई पागलपंती की, जैसा तुमने इन्हें मूवी कॉमिक्स वगैरह में देखा होगा बिल्कुल सेम वैसे ही है। और ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा, और जो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रखा हूँ कि इस एनिमे को रेकमेंड करूँ या ना करूँ, क्योंकि स्टोरी इसका कुछ खास है नहीं, जो मैंने खुद भी इंजॉय नहीं किया, लेकिन इसका एक्शन सीक्वेंस अच्छा था। भाई बड़ी दुविधा है, अगर मेरे ओपिनियन सुनोगे तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर अच्छा एक्शन देखना है तो एनिमे को देखो, वरना मत देखो, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मीडियोकर एनिमे, इतना भी क्या सोचना, अभी तो पूरा सीजन बाकी है। तो वक्त है वीडियो की समाप्ति का। अगर तुम मानवा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन या आउट्रो में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम्हें चेकआउट कर लेना। काफी अच्छे मानवा रिकमेंड किया, जाके एक बार जरूर ट्राई करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने मित्रों के साथ। 100 सब्सक्राइबर तो करा दो यार चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।